विश्व टीबी रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए विश्व टीबी दिवस के मौके पर जागरूकता अभियान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी संबंध में जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से संबंधित अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर दौलाबाटा पर डॉक्टर रेनू बेदी के नेतृत्व में दौलाबाटा के सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों को टीबी रोग के प्रति जागरूक रहने और किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है और इस बीमारी को किस प्रकार फैलने से रोका जा सकता है, इसके संबंध में बच्चों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सौरभ अवस्थी ने इस विषय पर अपना संबोधन दिया। हम सभी सेंट जोसेफ स्कूल में विश्व टीबी दिवस जो कि 24 मार्च को हर साल विश्व स्तर पर देश स्तर पर मनाया जाता है, इसीलिए उपस्थित हुए हैं। इस साल की जो थीम है वर्ष 2024 की वो है यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम सभी टीबी को खत्म कर सकते हैं। जो ये कि टीबी बीमारी है, ये एक जीवाणु बैक्टीरिया नामक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलती है और ये मुख्यतः फेफड़ों को ग्रसित करती है। सबसे पहले इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो हैं दो सप्ताह से ज़्यादा की खांसी, खांसी में बलगम आना, बलगम के साथ कई बार खून के थक्के आना और सडन वेट लॉस होना जो कि 10 किलोग्राम से लेके 20 किलोग्राम तक हो सकता है। ये जो कि सरकार द्वारा मुफ्त जब बच्चा पैदा होता है तभी प्रथम दिन से ही दिया जाता है, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी और इसका जो इलाज है वो हमेशा सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान किया जाता है। उसके बारे में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। आज हमारे यहाँ हेल्थ टॉक का मेन उद्देश्य ये है कि समय पर ही टीबी बीमारी को हम डायग्नोस कर सके और टाइम पर उसका ट्रीटमेंट कर सके। और ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से निशुल्क है। इवन जांच से लेकर आगे ट्रीटमेंट तक और आगे उसके फॉलोअप तक पूरा गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो ये बेसिकली हमें अवेयर करना है लोगों को कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरी तरीके से इलाज किया जा सकता है और जिस बीमारी का इलाज किया जा सकता है उसे हम पूरी तरीके से जड़ से मिटा सकते हैं। तो इसी बारे में हम बच्चों को, ताकि बच्चे अपने परिवार वालों को और आसपास के लोगों को इस बारे में अवेयर कर सके, इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ उपस्थित हुए।